देंगे कांग्रेस की लिस्ट पर। बड़ा अपडेट सामने आया है, कांग्रेस की सेंटर इलेक्शन कमीशन की बैठक आज दिल्ली में शाम 6:30 बजे ये बैठक होगी। बैठक में राजस्थान समेत कई राज्यों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट, ये सूत्र बता रहे हैं। राजस्थान में कई सीटों पर आज उम्मीदवार घोषित करेगी कांग्रेस। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस आज महामंथन, राजस्थान के भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिसकी आज घोषणा की जाएगी, कई नाम सामने निकलकर सामने आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, ऐसे में अब इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट का। हालांकि बताया जा रहा था कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसके चलते थोड़ी देरी हुई है, लेकिन आज दिल्ली में आखिरकार शाम 6:30 बजे एक बड़ी बैठक है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद रहेंगे, राजस्थान के भी तमाम बड़े नेता इस बैठक में रहने वाले। और बताया जा रहा है कि बैठक के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। देखिए हम कई संभावित दावेदारों के नाम भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन चर्चाओं में ये बड़े नाम, ये बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज रहने वाली है और बैठक में राजस्थान समेत कई राज्यों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। संवाददाता सुधीर शर्मा फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सुधीर, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद लिस्ट जारी हो सकती है पहली, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कांग्रेस चुनाव समिति की जो बैठक है वो आज शाम दिल्ली में हो रही है। खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें जो कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए प्रत्याशियों को लेकर आज इस बैठक में मंथन होना है। माना जा रहा है कि तमाम जो स्टेट्स है उन स्टेट्स में प्रत्याशियों की लेकर मंथन होगा, लेकिन ये देखा जाएगा कि राजस्थान का उसमें नाम है या नहीं। अगर राजस्थान का नाम होता है तो माना यह भी जा रहा है कि लगभग 10 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा संभव है आज कर दी जाए या फिर आने वाले एक दिन यानी कल तक हो जाएगी, क्योंकि अभी राहुल गांधी का राजस्थान में आज दौरा हुआ है, उनकी आज सभा हुई थी, उसके बाद जो राजस्थान के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। अगर इस बैठक में बड़े नेता शामिल होते तो राजस्थान को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि जो फीडबैक के तौर पर जो नामों की सूची वो पहले ही कांग्रेस चुनाव समिति के पास पहुंच चुकी होगी, तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि पहली जो सूची आएगी तो उसमें राजस्थान के 10 नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश में 15 जो चेहरे हैं वो पहले ही उन्होंने उतार दिए, जिसमें 5 सांसदों के टिकट भी काटे थे, तो उन स्थानों पर भी कांग्रेस पहले उम्मीदवार उतार सकती है ताकि एक सामने प्रत्याशियों के जो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाए। तो अभी ये देखना है कि जब आज शाम को ये बैठक दिल्ली में आयोजित होगी उसके बाद कौन कौन से स्टेट्स को लेकर इस बैठक में मंथन होगा और मंथन के बाद सूची जारी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। जी सुधीर, संभावित चेहरे भी आपसे जानना चाहेंगे जो इस वक्त चर्चाओं में है, खासकर राजस्थान के लिहाज से। देखिए, राजस्थान के लिहाज से देखिए, चूंकि पिछले दो चुनावों से हम अगर देखें 2014 में देखें और 2019 में देखें तो किसी को भी कांग्रेस से सफलता हासिल यहाँ पर नहीं हुई थी। तो यानी एक 10 साल का पीरियड हो गया कि राजस्थान से पूरी की पूरी 25 सीटें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी खाते में जारी। एक 2019 के इलेक्शन में जो हनुमान बेनीवाल जीते थे वो भी उसे बीजेपी के लाइन से अलग हो गए थे, लेकिन खाते में वो बीजेपी के ही मानी जाएगी। तो 10 साल से राजस्थान से कोई भी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर से लोकसभा में जीत कर नहीं जा रहा। इस लिहाज से जो तमाम जो बड़े नेता है या जो अभी विधानसभा में जो विधायक चुने गए हैं जिनका अच्छा वोट ऑफ मार्जिन रहा है, जो कद्दावर नेता माने जा रहे हैं उन पर और खासतौर से युवाओं पर इस बार कांग्रेस दाव खेल सकती है। ठीक है सुधीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर।